गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट सीरीज क्लास. सो स्टूडेंट, इन लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड अवर ट्रू और फॉल्स. नाउ टुडे वी डूइंग अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग. ओके, देयर आर गिवन अ वर्ड्स एंड यू वर डिफाइन द. ओके, तो अवर फर्स्ट वर्ड इज INCUBATION, incubation. Now we will write answer. So open your copy. Write a next question. DEFINE, define the following. FOWING, define the following. And our first word is INCUBATION, incubation. The right answer INCUBATION, incubation. आगे लिखे YOUNG, young, ONES, ones, BYBY, WHICH, which, PARENT, parent, BIRDS, birds, SIT, seat, ON, on, EGGS, X, TO2, HATCH, THEM, them. देखिए, incubation is the young ones. Incubation वो process जिसमें young ones जो अंडे होते हैं by which parent birds, जहां पर जो parents होते हैं अंडे के, sit on eggs, मतलब जो अंडे के ऊपर बैठ जाते हैं वो birds, जो parents birds होते हैं, जो छोटे छोटे अंडे होते हैं उनके ऊपर बैठ जाते हैं, to hatch them, means उसको गर्म करने के लिए, उसे बोलते हैं incubation. आगे आप लोगों को समझ में. सो अवर फर्स्ट वर्ड है कंप्लीटेड. अवर सेकेंड वर्ड इज METAMORPHOSIS, metamorphosis. ओके, नाउ विल राइट अंडर metamorphosis. नाउ राइट अ सेकेंड वर्ड METAMORPHOSIS, metamorphosis. ओके, नाउ वी विल राइट CHANGES, changes from YOU
एन जी यंग दिख रहा आपको, वाई ओ यू एन जी यंग, ओ एन ई एस वंस, टी ओ टू, ए डी यू एल टी एस एडल्ट्स इज कॉल्ड एम ई टी ए एम ओ आर पी एच ओ एस आई एस मेटामोर्फोसिस। मेटामोर्फोसिस वह है जिसमें द चेंजेस फ्रॉम यंग वंस, जो छोटे छोटे अंडे रहते हैं जब वो यंग वंस के होते हैं, उसके बाद वो जो यंग वंस के अंडे एडल्ट्स में चेंज होते हैं उन्हें बोलते हैं मेटामोर्फोसिस। ओके स्टूडेंट्स, आगे आप लोग समझ में, इंक्यूबेशन एंड मेटामोर्फोसिस, इसके आगे की डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।